देवभूमि उत्तराखंड और उसके पूर्वी छोर पर स्थित है जिला चंपावत। सन 1997 में अपने मात्र जनपद पिथौरागढ़ से अलग होकर चंपावत अस्तित्व में आया। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध चंपावत जनपद समुद्र तल से 1670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राचीन काल में चंपावत चंद वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से भी चंपावत अग्रणी पायदान पर रहा। गोलू देवता का मंदिर एवं बालेश्वर का शिलाओं से सुसज्जित पौराणिक मंदिर रमणीक स्थलों में से एक है। 5 तहसीलों और 4 ब्लॉकों में विभाजित जनपद की कुल आबादी लगभग 2,60,000 है। पशुओं की कुल आबादी यहाँ लगभग 2,57,000 की है। पुरातन काल से ही कृषि एवं पशुपालन जनपद की अधिकांश आबादी की आय का मुख्य स्रोत रहे हैं। पशुपालन विभाग चंपावत द्वारा किए जा रहे आधारभूत बदलाव, रणनीतिक फैसले एवं प्रोत्साहन कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि जनपद चंपावत प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जनपदों में से एक बन चुका है। जन सामान्य को पशुपालन की सेवाएं प्रदत्त करने के लिए विभाग द्वारा जनपद चंपावत में 13 पशु चिकित्सालय, 24 पशु सेवा केंद्र, 28 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र एवं 1 सचल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की गई है। इनके अतिरिक्त जनपद में पशु अनुसंधान एवं संरक्षण हेतु 1 अंगोरा प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 1 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव की भी स्थापना की गई है। पशुपालन विभाग अपनी सेवाएं मुख्यतः 4 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत प्रदान करता है। ये स्तंभ है पशु चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं रोजगार सृजन। अस्वस्थ पशु का ससमय पशु चिकित्सालय पहुंच पाना मुमकिन नहीं हो पाता, जिसका असर उत्पादन पर और अंततः पशुपालक की आय पर हो सकता है। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं पशुपालक के द्वार पर 24 घंटे प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं में दवा पान, दवा स्नान, बधियाकरण एवं आपातकालीन शल्य चिकित्सा भी की जाती है। उत्पादकता वृद्धि हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाया जाता है, जिसका आधार है कृत्रिम गर्भाधान। संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष पशुओं में टीकाकरण किया जाता है। विगत वर्ष से खुरपका मुंहपका की रोकथाम हेतु FMD कंट्रोल प्रोग्राम वृहद रूप से चलाया जा रहा है। पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा रोजगार परक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मुख्य है पूर्णतः अनुदानित कुक्कुट पालन, मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना, बकरी पालन इकाई एवं गौ पालन इकाई की स्थापना। इन योजनाओं में निम्न आय वर्ग एवं उत्साही पशुपालकों का नियमानुसार चयन कर अनुदानित दरों पर पशुधन उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न मदों द्वारा वित्त पोषित इन योजनाओं के द्वारा पशुपालकों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है तथा पहाड़ों में स्वरोजगार के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रचुर मात्रा में चारे की उपलब्धता पहाड़ी जनपदों में प्रगतिशील पशुपालन के लिए एक बड़ी बाधा सिद्ध होता है। इन समस्या के निराकरण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा उन्नत प्रजाति के चारा बीज का वितरण, कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक, चाटन भेली तथा वैकल्पिक चारे की व्यवस्था भी की जाती है। स्वरोजगार के एक विकल्प के रूप में अंगोरा सशक्त पालन व इससे जुड़े आर्थिक लाभों को जनपद में प्रसारित करने के उद्देश्य से अंगोरा सशक्त प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना मॉडल इकाई के रूप में की गई है। अंगोरा सशक्त पालन द्वारा उत्पादित ऊन की लघु उद्योगों में अत्यधिक मांग है, जो कि पशुपालक के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो सकता है। स्वदेशी बद्री गाय के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु वर्ष 2011 में जनपद चंपावत में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई। प्रक्षेत्र पर बद्री गायों का पालन पोषण तथा नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है। इन गायों में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता,
न्यूनतम देखरेख की आवश्यकता तथा इनके दूध में औषधीय गुण भी होते हैं। इसके अतिरिक्त नरियाल गांव प्रक्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत चारा वृक्ष नर्सरी की स्थापना तथा प्रक्षेत्र के पशुओं हेतु चारा उत्पादन भी किया जा रहा है। पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु तथा पशुधन और उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्यों के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए पशुपालन विभाग चंपावत द्वारा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई। पालतू पशुओं के साथ साथ वन्य जीवों की चिकित्सा एवं शव परीक्षण जैसे कार्यों का निष्पादन भी पशुपालन विभाग द्वारा ही किया जाता है। उन्नत पशुपालन को पशुपालकों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत करते हुए तथा पशुपालन व्यवसाय को और अधिक रुचिकर बनाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर पशु प्रदर्शनियों का विकास खंड स्तर पर आयोजन किया जाता है। पशुपालन में विकसित नई तकनीकों को प्रयोगशाला से पशुपालक के घर तक प्रसारित करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न गोष्ठियों जैसे एस्केड, अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी पालक गोष्ठी, आत्मा योजना अंतर्गत गोष्ठियों तथा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में द्विपक्षीय संवाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे पशुपालकों को समस्याओं का निवारण और अधिक सैद्धांतिक तरीके से हो पाता है। आइए जानते हैं पशुपालकों की कहानी उनकी ही जबानी। मैं ग्राम नरसिंहनाला जिला चंपावत का निवासी हूँ। मेरा नाम श्री कीर्ति चंद्र खरकवाल, मैं सनिया चंपावत से चंपावत का रहने वाला हूँ। मैं जैकन पंगरिया, ग्राम भाई सिप्टी। मैंने जो ये छोटे तो जो है पुरपुर से जो अपना उद्योग चालू किया, जिसमें जिसमें 300 से 400 तक हुआ। इनके मैं जो है मुर्गी पास मतलब बेच के अपनी आमद बढ़ा रहा हूँ। हरी जोशी है, मैं 3 साल से डेयरी का व्यवसाय कर रहा हूँ। अभी हमारे पास 20 गायें हैं। मुझे इस साल 50 मुर्गियाँ मिली हैं। पहली बार ही 50 मिली थी, जिसमें 20 मुर्गियाँ मैंने खरीदी थी। और पशुपालन विभाग से इस बार मुझे 50 मुर्गियाँ मिली। मुझे उम्मीद है कि आगे को भी ये मुर्गियाँ और बढ़ोतरी करेंगी और पशुपालन विभाग द्वारा मुझे अच्छा मुनाफा मिला। गाँव पालते आए थे और 5 लीटर से ऊपर दूध हमारा नहीं होता था। अच्छे पशुपालन सौभाग्य से बरेली गए थे, लेकिन हम जो है इससे हम बहुत कुछ सीख के आए थे। उसको सीख करके मैं अब उन गायों को पहाड़ी गायों को पालने से बेच करके मैं एक अच्छी गाय लेके आया हूँ। अच्छा, ये आपकी गाय है जी? कितना लीटर दूध देती है ये? 5 लीटर दूध देती है एक टाइम। एक टाइम तो आपका एक दिन में 10 लीटर दूध हो जाता है? एक टाइम एक दिन में 10 लीटर दूध। जबकि पहले आप 5 गाय पाल, पहले हम 5 गाय को पाल करके 1 लीटर दूध हमारा मुश्किल से उत्पादन होता था। इनके अंडे से जो भी आमद जो है लगातार डेली मेरी जो है 100 से 200 रुपये रोज की आमद है। इससे लगातार जो है करते करते जो है मेरी आमद साल भर में बढ़ती गई, जिससे जो है थोड़ा आपका काश्तकारी और इससे करके एक छोटा सा जो है डेयरी उद्योग के लिए गाय पालने का काम शुरू किया। इसमें मैंने पहले रूप में 2 गाय शुरू की पाली। अभी इस समय मेरे पास लगभग 2 गाय होते हैं। आठ गाय करीब है, जिसका जो 35 से 40 लीटर दूध तक मेरी आमद हो रही है। और मैं इनका रख रखा वो अपने बेहतर ढंग से कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे जो है पूरा जो है पशु विभाग से भी अन्य मदद से भी मिलता रहता है। हर लोग मेरी जो है सहायता करते रहते हैं। डेयरी का हमने स्टार्टिंग की थी 2008 से। पहले उत्तरांचल में सेक्स सीमन का प्रयोग हमने स्टार्ट किया। ये सेक्स सीमन से हॉस्पिटल में जो सेक्स सीमन आया था आत्मा के द्वारा, ये उससे पैदा हुई है। और ये भी पशुपालन विभाग के द्वारा ही प्रदत्त हॉस्पिटल से है 4 महीने की। ग्रामीण अंचल के उत्तराखंड को अपने स्वावलंबन के पैरों में खड़ा करने के लिए चंपावत की पशु चिकित्साविदों की टीम दिन रात प्रयासरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे द्वारा किए गए ये प्रयास वास्तविकता में कब फलीभूत होते हैं?
को तब होते हैं जब इस टीम से प्रेरित कोई किसान के चेहरे पर अंतिम मुस्कान आती है और उस मुस्कान के बाद पशुपालन नित उनके जीवन का एक अहम अंग बन जाता है।